वेलकम टू आर्ट एंड टैरो। तो हम इस चैनल में टैरो से रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करते हैं और आज हम बात करेंगे द कार्ड ऑफ द फूल। द फूल कार्ड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। फूल हम ये सिग्निफाई करता है एक तो कि जहाँ से सारी जर्नी शुरू होती है, ये बिल्कुल शुरुआत का कार्ड है और यहाँ से एक फूल की यात्रा शुरू हो रही है जिस कह सकते हैं कि हमारी यात्रा शुरू हो रही है। इट्स अ न्यू बिगिनिंग फॉर एवरीवन। एंड अगर हम इसके सिंबलिज्म को देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग है। फूल के पास कुछ थोड़ा सा सामान है उसके बैग के अंदर और बैग में वो सब चीज़ें हैं जो एसेंशियल आइटम्स जो उसको चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें उसके पास हैं ऑलरेडी। जिसका ये मतलब है कि वो जहाँ पर भी जाना चाहे, जो भी करना चाहे, उसके पास वो सारे टूल्स अवेलेबल हैं अपनी यात्रा शुरू करने के लिए या फिर अपना नया काम शुरू करने के लिए। जो सफ़ेद फूल जो उसके हाथ में है वो सिग्निफाई करता है पीसफुलनेस उसके भीतर की। ही इज़ क्वाइट, ही इज़ इनोसेंट, ही इज़ लिविंग द मोमेंट। दैट्स व्हाट द फूल इज़ ऑल अबाउट। आप उसकी ड्रेस देखेंगे तो बहुत कलरफुल है, विच मीन्स दैट कि उसकी लाइफ इज़ फुल ऑफ कलर्स, दैट अंदर कुछ मुरझायापन नहीं है, अंदर सब कुछ अलाइव है, एवरीथिंग इज़ अलाइव। पीछे का बैकग्राउंड देखेंगे तो इट्स येलो। येलो सिग्निफाइज अलाइवनेस, वाइटलिटी, एनर्जी। पीछे आप देखते हैं कि ये एक सन, आपको लगता है कि वो सन है लेकिन वो एक्चुअली में एक मून है और मून जो है उसको सन की तरह सिंबलाइज किया जा रहा है यहाँ पे। उसका कारण ये है क्योंकि मून इज टेकिंग एनर्जी फ्रॉम द सन। मून की लाइट खुद की नहीं है, जो मून की जो लाइट है वो सन की लाइट है। क्योंकि फूल इज ऑल्सो अ बिगनर, ही इज ऑल्सो कन्फ्यूज, तो उसके पीछे जो एनर्जी है वो मून की एनर्जी है, सन की नहीं है। सन मीन्स ब्राइटनेस, सन मीन्स एनलाइटनमेंट एंड मून की जो एनर्जी है वो एक बिगनर एनर्जी है। और फिर हम देखते हैं कि एक डॉग भी उसके साथ जो है साथ साथ चल रहा है जो उसका कंपेनियन है। डॉग इज ऑल्सो नोन एज द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमंस और जिसका ये सिग्निफिकेंस है कि देर इज अ क्लोज फ्रेंड क्लोज टू हिम। एंड डॉग का अगर आप उल्टा कर लेंगे तो वो होता है गॉड। सो इन अदर वेज द गॉड इज अवेलेबल टू फूल बट नॉट इन अ डायरेक्ट वे बट इन अ इनडायरेक्ट वे। दैट व्हाट इट मीन्स। बाकी हम थोड़ा सा और आगे देखेंगे तो फूल जो है एक खाई उसके आगे है जहाँ पे वो गिर सकता है। उसमें वो सिर्फ ये सिंबलाइज करता है ये चीज़ कि फूल जो है एक केयर फ्री है। वो जहाँ जाना चाहता है, जो करना चाहता है, वो उसके अंदर क्षमता है करने की। सो दैट इज़ व्हाट द फूल सिग्निफाइज, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड ऑफ द टैरो एंड दिस इज़ वेयर इट ऑल बिगिंस। द टैरो कार्ड जर्नी बिगिंस विद द फूल। सो दिस वॉज टुडेज कार्ड द फूल। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्ते।